शामली के गांव फतेहपुर में पूर्वी नहर की पटरी टूट गई, जिससे सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने हंगामा करते हुए प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मुआवजा नहीं दिया तो लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। अच्छा, अभी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मामला है? हमने इसलिए प्रदर्शन किया कि नुकसान तो हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है भाई साहब। हम सुबह कल 6 बजे जहल पर पहुंच चुके थे, जहल बंद पाई वहां पर। हम जैसे जहल कर्मी को बुलाया खेले, वो अपनी चाबी भी घर भूलिया, बोले रहे मेरी चाबी भी नहीं रही, ये फावड़ा ले को हमारे साथ आया। हमने बहुत कोशिश करी बंद करने की, परंतु नहर नहीं बंद हुई। पानी इतना ज़्यादा था कि हमारे 2-3 जो युवा लड़के थे वो भी पानी के आगे धार में बह गए। तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो 1500 के करीब हो रहा, सभी का गेहूं पर शीट जो अभी बोए थे वो भी खत्म हो गए, वो तो जमीन ही पाओगे पर गेहूं तो कति खत्म हो गए। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि सरकार में मुआवजा दे, वरना हम इस चुनाव के भी खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमने मुआवजा नहीं मिला हम वोट भी डालने नहीं जाएंगे, हम कोई मतदान नहीं करेंगे जब तक हमें मुआवजा नहीं मिला। किससे मांग करते हो? हम मांग ये करते हैं सरकार से। ठीक है, मेरा नाम दीपक कुमार है, सनोफ श्री लमचंद शर्मा, मैं ग्राम फतेहपुर कांदला थाना का निवासी हूँ। अच्छा, क्या मामला है? आप लोगों ने प्रदर्शन किया? हम लोगों ने प्रदर्शन इसलिए किया कि कल सुबह 4 बजे से ये नहर टूटी हुई है, पूर्वी यमुना नहर है ये, और ये टूटी हुई है नहर सिंचाई विभाग वालों की लापरवाही से। उन्होंने जो है झैल का रास्ता नहीं खोल रखा था, इस वजह से ये नहर जो है पानी का ओवरफ्लो होने के बाद ये यहाँ से टूट। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं जो हमारे यहाँ सैकड़ों किसान हैं, इनकी लगभग 1500-1500 बीघे का रकबा जो है इस नहर के पानी के टूटने की वजह से ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो गया है। तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए, जिससे हमारे नुकसान की थोड़ी भरपाई हो सके। ठीक।